नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बारिश ने उत्तराखंड में ऐसी तबाही मचाई है कि कुमाऊं इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच पहाड़ों में घूमने आए सैलानी भी जगह जगह फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला से भी ऐसे ही 40 सैलानियों को रेस्क्यू किया गया, साथ ही एक शव भी बरामद हुआ है। ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो आदि कैलाश की यात्रा पर गए। उधर चंपावत दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ितों से बात की और उनकी तकलीफों को जाना। सीएम के दौरे की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें एक तरफ सीएम धामी एक आपदा पीड़ित महिला को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक परिवार से भी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस आपदा में घायल हुए बच्चे के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। एक और तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री आपदा पीड़ित परिवार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ का धारचूला भी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने नैनीसैनी एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ आपदा राहत बचाव की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि सीमांत क्षेत्र की बंद सड़कें जल्दी खोल दी जाएंगी। जो हमारे उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन का बड़ा ढांचा है, वो हमने अभी स्वीकृत कर दिया है। हमारी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में और ज़्यादा सर्वे करते हैं, और ज़्यादा चीज़ें हैं पूर्वानुमान हमारे और पहले हमको मिल जाएं, जिससे कि हम लोग हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ की मीटिंग, आपदा राहत कामों को लेकर भी मीटिंग ले रहे हैं। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ के दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपदा जब से उत्तराखंड में आई है, तभी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे कर रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिन्होंने इस आपदा का दर्द झेला है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 1 नवंबर को इंटरनेट एक्सचेंज उद्घाटन होगा। देहरादून में बन रहा है प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मांग उठाई थी, इस मामले में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की थी, और अब इंटरनेट एक्सचेंज जो है वो बन रहा है देहरादून में। ये प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज है। इंटरनेट एक्सचेंज लगने से इंटरनेट की गति में काफ़ी तेजी आती है, उससे जो हमारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं उनको लाभ होगा। इंटरनेट एक्सचेंज लगने से हमारे जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको लाभ होगा। इंटरनेट एक्सचेंज से जो हमारे BPOs आने हैं और जो इस इंटरनेट से जुड़े उद्योग हैं उनमें वृद्धि होगी। तो पहले प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में देहरादून में 1 नवंबर को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के तमाम जिलों में, हर जनपद में इंटरनेट एक्सचेंज लगे। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने आपदा प्रभावित परिवार से मुलाकात की। हरीश रावत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हरीश रावत ने मांग की है कि प्रदेश सरकार को मुआवजे की मानकों को बदलना चाहिए। और जो आर्थिक सहायता है जिससे वो परिवार खड़े हो सके, उसको गुजारता पूर्वक दे। आदमी के मकान में दरार आ गई है, अब वो मकान रहने काबिल थोड़ी रह गया है। आंगन टूट गया है कि जब जिसका आंगन चला गया तो वो मकान भी अस्थिर हो जाता है। तो ये ज़रा समझदारी दिखाएं और आपदा के मानकों को स्थानीय आधार पर संशोधित करें। इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि उसके लिए बहुत केंद्रीय से मदद की जरूरत पड़े। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। अजय भट्ट ने कहा, आपदा में फौरी तौर पर दी जा रही है मदद, लेकिन इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। आपका गैस लाने को पैसा नहीं है तो इस टाइप से बिस्तरा खराब हो गया उसके हिसाब से दी जाती है, लेकिन हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई कि ये अहेतुक राशि को हम यथाशीघ्र बढ़ा रहे हैं। वो चाहे किसी भी संसाधन से बढ़ाएं या कैसे ही भी दें, या माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से दें अथवा कोई अन्य कोष से दें, लेकिन हम इसको अपने संसाधनों से ही बढ़ाकर
लोगों को राहत दे रहे हैं। रामनगर के सुंदरखाल और चुकुम में कोसी नदी ने जमकर तांडव मचाया है। चुकुम में करीब 80% गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का दर्द जाना। ग्रामीणों ने मदन कौशिक के सामने गांव को विस्थापित करने की मांग की। कौशिक जी, आपने तमाम गांवों का दौरा किया, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, क्या लगता है किस कदर कहर बरपाया है इस आपदा ने इस बार? देखिए, गांव में बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और कैजुअलिटी भी सबसे ज़्यादा नैनीताल ज़िले में ही हुई है। लोगों के बीच में जाने के बाद वास्तव में उनके दर्द को, उनकी उस परिस्थितियों को जब देखने के बाद बातचीत हुई तो वास्तव में लोगों के मन में एक ये था कि ऐसी परिस्थितियों में आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सही है कि प्रारंभिक तौर पर सरकार ने तत्काल उनको जो सहायता थी वो कराई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में जो आवश्यकता राशन की थी वो दी, लेकिन तब भी गांव में मैंने देखा कि गांव में तो लगभग 30-40% तो गांव कहीं नज़र ही नहीं आया। और सुंदरखाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ रेस्क्यू भी कराया और लोगों के बीच में जाकर काम किया। इस प्रकार से इस आपदा में बहुत भारी मात्रा में नैनीताल ज़िले में खासतौर पर जान माल की हानि हुई है। ऐसी परिस्थितियों में पूरी पार्टी सरकार आज उनके साथ खड़ी है और ताकत के साथ खड़ी है। स्थिति सामान्य होने तक हमने सभी कार्यक्रम स्थगित करने को कहा है। जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भीमताल के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। स्वामी अतीश्वरानंद ने कहा कि उन्होंने आपदा प्रभावित इलाके में राहत सामग्री बांटी है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित इलाकों में बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की कोशिशें जारी। आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की 7 सदस्य टीम हल्द्वानी पहुंची। टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने रामगढ़, बिंदुखत्ता सहित क्षतिग्रस्त गोलापुल का निरीक्षण किया। केंद्र की टीम ने अधिकारियों से नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के आपदा सचिव केंद्र की टीम के साथ हैं। उत्तराखंड की तरफ से तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास के नुकसान का आंकलन किया गया है। लोगों का अपना एक तरीका है उसको लॉस को डिटरमिन करने का कि अमाउंट वाइज कितना वो लॉस हुआ है, कितना ह्यूमन लॉस है, कितना कैपिटल लॉस है। तो वो ऑलरेडी कल से वो पूरी टीम जो है वो ग्राउंड पे है और हमारे सचिव आपदा प्रबंधन भी उनके साथ में है, मुरुगेशन सर, और जेएस होम श्री संजीव जिंदल साहब के नेतृत्व में अलग अलग डिपार्टमेंट से वो टीम बनी। बढ़ते आगे, करवा चौथ पर्व को लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। महिलाएं बाजार में खरीदारी करती नजर आ रही हैं। रविवार को करवा चौथ है इसलिए महिलाएं पहले से ही अपनी तमाम खरीदारी पूरा कर लेना चाहती हैं। उधर रुड़की में करवा चौथ पर महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। मुख्य बाजार करवा चौथ पर्व पर खरीदारों से गुलजार नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप बाजारों की रौनक देख सकते हैं, साथ ही महिलाओं की भीड़ भी नजर आ रही है। करवा चौथ पर कैसी है देहरादून के बाजारों में रौनक, देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। कोरोना के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जब बाजारों में इस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सुहागिन महिलाएं होती हैं वो इस दिन करवा चौथ के दिन खास व्रत रखती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, इसीलिए ये मेहंदी का खास महत्व होता है, नए कपड़ों की खरीदारी का महत्व होता है। पूरे बाजार में आप देख रहे हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं वो लगातार खरीदारी करने के लिए पहुँच रही हैं। सर बिल्कुल, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है पहले की तरह, पहले जैसा काम भी हो रहा है। अब पहले तो ये था कि काम होने में दिक्कत थी, माल पीछे से आ नहीं रहे थे, कस्टमर डर रहे थे आते हुए, लेकिन इस समय कस्टमर भी पूरे हैं, दुकान में सब आ भी रहे हैं, माल भी आ रहे हैं, अच्छे से बिक्री भी हो रही है। खूब बिक्री हो रही है ये दुकानदार भी मान रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत कर लेंगे। आप बताइए, जॉब यहाँ पे अच्छी बिक्री है, मैं तो जॉब करते हैं यहाँ पे। कितनी महिलाएं आ रही हैं खरीदारी? अभी करवा चौथ के टाइम पे तो बहुत खरीदारी हो रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो इतना काम नहीं था जस्ट बिकॉज कि कोरोना के चलते, इसीलिए तो अभी तो बहुत अच्छी बिक्री है हमारी। हाँ जी, सामान ही खरीद रहे, बहुत सारा मेकअप का,
जी मेकअप का सामान खरीद रहे हैं? तमाम जो लोग हैं उनके लिए बड़ी बात है कि कोरोना के बाद एक बार बाजार फिर पटरी पर लौट रहा है। उनका जो माल पिछले दिनों से रखा हुआ था, बेकार हो रहा था, वो भी कहीं ना कहीं बिक रहा है और बाहर से जो आवक है वो लगातार बढ़ रही है। बारिश के बाद केदारनाथ धाम में मौसम बदल गया है। इस समय केदारनाथ धाम में कड़ाके की सर्दी हो रही है, लेकिन ठंड के बावजूद भी तीर्थयात्री जोश में दिखाई दे रहे हैं। केदार बाबा के दर्शन के लिए धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। उधर केदार बाबा की संध्याकालीन आरती में तीर्थयात्रियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। 6 नवम्बर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, उससे पहले ही ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। भीड़ तो काफी है, ठंड भी है, लेकिन बाबा की दर्शन बहुत अच्छे से हो गई। आरती बहुत अच्छे से दर्शन किया, आरती तो आरती के समय में आरती दर्शन किया और बहुत अच्छा लग रहा है, पहला बार आया हूँ। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी का दौरा है। आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल बनकर तैयार है। समाधि स्थल में शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित की गई है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम का दौरा प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी उसी दिन आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ जी में दौरा प्रस्तावित है, इसके क्रम में विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर ली गई है और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान कर दिए गए हैं, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की समस्त व्यवस्थाएं जो है सुचारू रखी जाए। आप मेरे ठीक बगल में देख सकते हैं कि शंकराचार्य समाधि स्थल में शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। यह मूर्ति केरल से चिनुक के जरिए आई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनुक ने इस मूर्ति को कई भागों में यहाँ पहुँचाया है। इसके बाद यह मूर्ति यहाँ पहुँची और वुड स्टोन कंपनी के कर्मचारियों ने इस मूर्ति को एक साथ जोड़ा, जिसके बाद इस मूर्ति को शंकराचार्य समाधि स्थल में स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दीपावली के शुभ अवसर पर वे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और शंकराचार्य समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद देश विदेश के श्रद्धालु अगले वर्ष यात्रा सीजन पर शंकराचार्य समाधि स्थल का दर्शन कर सकेंगे। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। अब वक्त है 70 के संग्राम की और आज बात देहरादून की सहसपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर पिछले 3 टर्म से भाजपा का कब्जा है, लेकिन क्या इस बार भी इस सीट पर कमल खिलेगा? आज बात इस सीट पर। देहरादून की सहसपुर विधानसभा सीट भाजपा के सहदेव मुंडेर विधायक, पिछले 3 चुनाव इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। राज्य कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन शर्मा के बीच कांटे की टक्कर, मगर कांग्रेस की लहर के बीच सहदेव सिंह पुंडीर विजयी हुए, जबकि 2017 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला रहा, मगर सहदेव फिर से विधायक चुने गए। सहदेव सिंह पुंडीर का यकीन है कि जनता इस बार भी उनके ही साथ है। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि 2017 में जब चुनाव हुआ तो नतीजे क्या रहे थे। 2017 के चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर चुनाव जीत गए थे। उन्होंने कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को चुनाव हरा दिया था। सहदेव सिंह पुंडीर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, लेकिन विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्षेत्र में अगर आप सहसपुर विधानसभा में देखेंगे तो लगभग जो है हमने राज्य सेक्टर से और रिन्यूअल में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है। कुछ सड़कें रह गई हैं, उनको भी हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। वहाँ बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार मिला है और वहाँ जो सड़कों का क्या बुरा हाल है, वहाँ कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में जो काम अधूरे रह गए थे, जो हमने अपने कांग्रेस के कार्यकाल में प्रारंभ किए थे, किसी पर भी कोई काम नहीं हुआ। और अब आपको दिखाते हैं कि सहसपुर की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। विधानसभा क्षेत्र में फैली गंदगी और कूड़ा एक मुद्दा है, इसके अलावा कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई का सुचारू ना होना भी एक मुद्दा है। नालों में जल भराव और गंदगी की समस्या है, वहीं कई क्षेत्रों में संपर्क मार्गों की हालत खस्ताहाल है। मानसून में नालों से जल भराव होना भी एक बड़ी समस्या है। और अब आपको दिखाते हैं सहसपुर की जनता विधायक के काम से कितना खुश है। 4.5 साल होने के बाद
ना तो कोई यहाँ पे आज तक पानी की कोई सुविधा मुहैया कराई सरकार ने, ना विधायक जी ने इस और अपना ध्यान आकर्षित किया। वो किसके यहाँ किसका काम कर रहे होंगे, किसके यहाँ जा रहे होंगे, किससे मिल रहे होंगे, किससे, हमें कोई मतलब नहीं। जब हमारा ही काम नहीं हुआ तो हम तो कहें किसी का काम कराइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है ये है कि जो गरीबों के मकान दिए जा रहे हैं उसमें भी कमीशन खाई जा रही है। आप ये देख रहे हैं जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कुछ भी नहीं करा इन्होंने, तो हम तो इनके काम तो कुछ भी संतुष्ट नहीं है, कुछ आते भी हैं तो जो जो समस्या जस्ट थी वैसी ही है। जो ऊपर से योजनाएं आती हैं उन्हें धरातल पर लागू नहीं कर पाते। चुनाव करीब आते ही टिकटों की दावेदारी शुरू हो गई है। हरिद्वार से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा खानपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। खानपुर से फिलहाल भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट की मांग कर रहा हूँ और वहाँ से मैं चुनाव मैदान में उतरना चाहता हूँ। फिर भी क्षेत्र की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्याएं हैं वहाँ पर। मेन बात यह है कि लोग खुलकर अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं।